आपको कैसे पता कि हम 400 पार जाएंगे, क्योंकि देश के अंदर तो बेरोजगारी, महंगाई, किसान जवान सब रोड पर है, चारों तरफ बहुजनों के हक मारी हो रही है, चारों तरफ अत्याचार अन्याय हो रहा, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट जो है इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उसने भी माना है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। मुस्लिम सीटें उनमें दो चार छोड़कर एक भी सीट पर आज तक कोई मुस्लिम लोकसभा में नहीं पहुंचा है, इसका क्या कारण है? तो कहीं ना कहीं शक ईवीएम पर और सरकार पर जाता है। हमें हार मंजूर है एक बार, लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही मिशन है कि अब की बार बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, अगर जनता आपके साथ है तो आप जीत जाओगे और हम हार मान लेंगे। साथियों, लगातार ईवीएम के मुद्दे पर पूरे देश में आंदोलन हो, कहीं ना कहीं ईवीएम वोट की चोरी कर रही है, और ईवीएम के माध्यम से ही लगातार 2014 से लेकर अब तक आज जो वर्तमान में सरकार बैठी हुई, वो ईवीएम के माध्यम से लगातार 14 से लेकर और 24 आने जा रहा, कहीं ना कहीं ईवीएम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जिस देश ने ईवीएम को बनाया था उस देश ने भी ईवीएम पर विश्वास नहीं किया और उस ईवीएम को बंद किया, लेकिन जब से इस देश में ईवीएम आई है तब से हमारे देश के लोगों की, खासकर बहुजन के लोगों की वोट की चोरी हो रही है। देखिए, 14 से लेकर और 24 का चुनाव आने जा रहा, आप चाहे वो छोटा चुनाव ले लीजिए, चाहे विधानसभा का ले लीजिए, चाहे लोकसभा का चुनाव ले लीजिए, जो लाखों सरकारी कर्मचारियों द्वारा बैलेट पेपर से वोटिंग होती है, जो ईवीएम खुलने से पहले उसकी गिनती होती है, 14 से लेकर 23 तक उसमें ये सरकार हारी है और विपक्ष की पार्टियां बैलेट पेपर में जीतती है, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलती है तो तुरंत ये सरकार भारी मतों से जीत जाती है। देखिए, हर बार ये सरकार एक चुनाव से पहले आंकड़ा दे देती है 300 पार, अब की बार 400 पार का नारा दे दिया। तो मैं सरकार से और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपको कैसे पता कि हम 400 पार जाएंगे, क्योंकि देश के अंदर तो बेरोजगारी, महंगाई, किसान जवान सब रोड पर है, चारों तरफ बहुजनों के हक मारी हो रही है, चारों तरफ अत्याचार अन्याय हो रहा, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको विश्वास है? उनको विश्वास जनता पर नहीं है, उनके साथ 38 सहयोगी पार्टियां हैं, लेकिन 38 नहीं, उनके साथ 39 सहयोगी पार्टी है। उनकी सबसे, बीजेपी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो ईवीएम सहयोगी पार्टी, क्योंकि उनको पता है कि जनता वोट जहां दे, लेकिन हम ईवीएम के माध्यम से सेट कर और अब की बार भी 400 पार होकर फिर सरकार बना लेंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश देखा होगा, वामन मेसराम साहब के माध्यम से और अलग संगठनों के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट जो है इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उसने भी माना है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। चुनाव आयोग से बार बार मांग की जाती है कि आप हमें बुलाइए, हम आपको दिखाएंगे कैसे ईवीएम में गड़बड़ होती है। पहली बात तो चुनाव आयोग बुलाता नहीं, और जब भी किसी डेलीगेशन को बुलाया और हमारे क्वालिफाइड इंजीनियर जिन्होंने ईवीएम को चुनाव आयोग से बाहर कई बार जंतर मंतर पर
कई बार अनेक मंचों पर उसको दिखाया है कैसे हैंक होती है। जब चुनाव आयोग के कार्यालय में जाया जाता है तो चुनाव आयोग कहता है कि इस ईवीएम को बिना हाथ लगाए इसको सेट करके दिखा। देखिए बिना हाथ लगाए कैसे ईवीएम को हम सेट कर देंगे, कैसे उनको दिखाएंगे हम? तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और न्यायपालिका भी आज इस सरकार की कठपुतली बनी हुई है और उन्हीं के निर्देश से वो चल रही है। फिर वो कहते हैं कैसे चोरी हो सकती है ईवीएम से। अभी आपने देखा होगा कि इसरो के कई वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर बैठे बैठे कंप्यूटर से ही पहुंच चुके, सूरज पर पहुंच चुके, हमारे फोन पर ही हमारे बैंक के अकाउंट खाली हो रहे हैं। अनेकों उदाहरण हैं जो कंप्यूटर से छल किया जाता है और वो छल हो रहा है। और यही कारण है कि सरकार को इतना विश्वास है कि वो 400 पार का नारा दे दिया। जिस देश के अंदर 25 करोड़ मुस्लिम परिवार रहते हैं जो बहुजनों के, आज तक आपने 14 से पहले देखा होगा कि मुस्लिम सीटों पर दो चार सीटों को छोड़कर कभी भी वहां पर दूसरी बिरादरी के लोग नहीं जीते, लेकिन 14 से लेकर अब तक पूरे देश की जो मुस्लिम सीटें हैं उनमें दो चार छोड़कर एक भी सीट पर आज तक कोई मुस्लिम लोकसभा में नहीं पहुंचा है। इसका क्या कारण है? एक तो इसका कारण यह लगता है कि देश के सभी लोग, सभी मुसलमान बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन फिर शक जाता है कि जब हिंदू और मुसलमान का जहर घोला जा रहा है तो मुसलमान कैसे बीजेपी के साथ चला गया? मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं गया, बहुजन शोषित वंचित बीजेपी के साथ नहीं गए, लेकिन हमारी वोट की चोरी कर ईवीएम ने बीजेपी तक हमें पहुंचा दिया। यही कारण है कि आज ईवीएम पर शक किया जा रहा है, ईवीएम विश्वसनीय। जिस कंपनी ने ईवीएम को बनाकर सरकार को दिया तो कई लोगों ने आरटीआई लगाकर सरकार से पूछा कि कितनी ईवीएम सरकार ने खरीदी, तो सरकार ने कहा 19.5 लाख ईवीएम हमने खरीदी। फिर हमने उस कंपनी पर आरटीआई लगाई तो कंपनी ने बताया कि सरकार को हमने 40 लाख मशीनें बेची। तो मुझे बताइए वो 20 लाख मशीन कहां है, वो किस इस्तेमाल में हो रही है? तो कहीं ना कहीं शक ईवीएम पर और सरकार पर जाता है। इसीलिए पूरे देश के अंदर विपक्ष ही नहीं, किसान ही नहीं, दलित हो, मजदूर हो, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के 90% बहुजन लोगों, सभी ईवीएम के खिलाफ रोड पर उतर चुके और लगातार आंदोलन हो रहा है और सरकार नहीं सुन रही। हमारा सरकार से आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यह अनुरोध है कि 24 का चुनाव बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। सरकार यह कहती है कि जहां हमारी सरकार नहीं बनती, विपक्ष की बनती है, तो वो वहां ईवीएम का क्या रोल है जहां पर हम हार जाते हैं? हम उनको कहना चाहते हैं हमें हार मंजूर है एक बार, लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य है,
एक ही मिशन है कि अब की बार बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, अगर जनता आपके साथ है तो आप जीत जाओगे और हम हार मान लेंगे, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव। काफी आंदोलनों के बाद चुनाव आयोग ने एक दूसरा रास्ता अपनाया था, वीवीपैट, जो एक पर्ची निकलती है, लेकिन वो कितनी, 25%, और अलग अलग जगह पर कम संख्या में निकलती है। तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आप पूरे देश में हर मशीन पर ही बैलेट पेपर उसमें वीवीपैट से ही करा दीजिए, आप वो भी नहीं कराती, तो कहीं ना कहीं ईवीएम पर शक जाता है हमारा, क्योंकि ईवीएम से हमारे वोट की चोरी हो रही है और ये चोरी से बनी हुई सरकार, अगर जनता इसके साथ होती तो आज किसान रोड पर क्यों बैठे हो? भारत पाकिस्तान से बड़ा बॉर्डर शंभू बॉर्डर को बना दिया गया और अनेकों बॉर्डर को बना दिया गया, हमारे दिल्ली में प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी, हमारे किसानों का एमएसपी का हक नहीं दिया जा रहा, फिर भी सरकार कहती है कि 400 पार। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान राम भी इनके साथ खड़े हो चुके हैं और उन्होंने इनको कहा, बेटे 400 पार का नारा दे दो, मैं 400 पार करा दूं। लेकिन मेरा ये मानना है ना सहयोगी पार्टियों का साथ है ना राम का साथ है, लेकिन उस मशीन जिसको कहते हैं ईवीएम, उस ईवीएम का साथ इस देश की सरकार के साथ है जो आज वर्तमान में बैठी हुई है, जो लगातार ईवीएम उस पर विश्वास करती है और वो ईवीएम पर विश्वास करता है, और ये लगातार हर चुनाव में ईवीएम के साथ छल किया जा रहा है। अभी विधानसभा के गुजरात में चुनाव हुए, उदाहरण बहुत है, 5 बजे के बाद 5:30 बजे तक 15 लाख वोट डल चुकी है, 1 मिनट में 1 वोट डलती है, 30 घंटे में 15 लाख वोट कैसे डल गई? उत्तर प्रदेश के अंदर 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव के अंदर पिछले 8,420 वोट ही चार लोकसभा के प्रत्याशियों को कैसे मिला? गोरखपुर के अंदर जहां 1,127 वोट है वहां 1,300 से भी ज्यादा वोट कैसे ईवीएम ने दिखा दिया? वो ऐसे दिखा दिया जैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखा होगा, 20 वोट वाला हार गया और 16 वोट वाला जीत। तो कहीं ना कहीं हर हथकंडा अपनाकर, चाहे वो ईडी का हो, चाहे सीबीआई का हो, चाहे न्यायालय का हो, चाहे वो पैसे का धनबल हो, और आखिरी में ईवीएम तो उनके साथ है। तो मेरा आज इस प्रेस वार्ता में सभी मीडिया साथियों से यही प्रार्थना कि इस बात को देश की सरकार तक पहुंचाए कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, अगर देश की जनता आपके साथ है तो आप जीत जाओगे, और अगर देश की जनता आपके साथ नहीं है तो जो ईमानदार सरकार है वो बनेगी।